अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बेमिसाल जायका। आज आपके साथ हम बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये समोसों की रेसिपी है, हमने इसे अलग लुक दिया है। तो ये कौन समोसे हैं और हम बनाएंगे पोटैटो रोल। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप ज़रूर देखें पूरी वीडियो को और कमेंट में भी बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर। यहाँ पर हमने मैदा लिया है 1 कप और ये 1/4 कप है रवा यानी सूजी। इससे हमारे समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और ये 1/2 टीस्पून है अजवाइन। अजवाइन को हम थोड़ा सा हाथों से इस तरीके से मसलते हुए ऐड करेंगे। तो मसल कर अजवाइन ऐड करने से अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ये 1/2 टीस्पून नमक। और नमक ऐड करने के बाद इसमें अब ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। तो ये रिफाइंड ऑयल है। यहाँ पर हमने 3 ये छोटे खाने के चम्मच हैं, इसी चम्मच से 3 चम्मच हमने डाले हैं। बस अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और इसे जिस तरीके से हम चपाती का आटा गूंथते हैं उसी तरीके से इसका हमें डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए खस्ता हमारा लग चुका है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेंगे। तो बहुत ही नरम हमें नहीं गूंदना है, थोड़ा इसका सख्त ही आटा लगाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करें, एकदम से बिल्कुल भी ना ऐड करें और अच्छे से इसे मसलते हुए हमें गूंद लेना है। और फिर इसको हल्का सा तेल लगाकर बंद करके आधे घंटे के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा आटा गूंद कर रेडी हो चुका है, ये देखिए। और इसे अब हम थोड़ा देर कवर करके रख देंगे। तो हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे इसमें और चारों तरफ आटे में इस ऑयल को फैला देंगे। अब इसे हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये आलू है 3 बड़े साइज़ के जिसे हमने बॉईल किया था और उसे कद्दूकस कर लिया। तो अब हम ये कुछ मसाले देख लेते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच हमने ये छोटा चम्मच है भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 ही चम्मच चिली फ्लेक्स है, 1 चम्मच धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून नमक है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून से भी कम है ये हींग यानी 1/4 चम्मच है हींग। इन सारे मसालों को इस आलू में हम ऐड कर देंगे और इन मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है आलूओं के साथ। तो खूब अच्छे से मसलते हुए हमें इन्हें मिक्स करना है ताकि सारे जो आलू हैं हमारे मसाले में मिक्स हो जाएं। यहाँ पर हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है आलूओं में। अब इसे एक साइड में रख देते हैं, इसमें अब कोई चीज़ हम मिक्स नहीं करेंगे। तो आटे को अपने देख लेते हैं, हमारा आटा भी अच्छे से मुलायम हो चुका है। एक बार इसे और हम मसल देंगे तो थोड़ा सा ये और सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। तो जितना हम इसे मसलेंगे उतने ही समोसे हमारे लाजवाब बनकर तैयार होंगे। आटे को हमने अच्छे से मसल दिया है, ये देखिए। अब इसके हम छोटे छोटे लोइयां बना लेंगे। इस तरीके से और इसे हम बेल लेंगे। तो जिस तरह हम चपाती की रोटी लेते हैं लोई, बस उतना ही साइज का हमको लेना है और बड़ी सी रोटी हमें इसकी बेलनी है बिल्कुल पतली। तो थोड़ा सा खुश्की लगाते जाएं और इसे अच्छे से हमें बड़ी सी रोटी की तरह बेल लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप बहुत ही फटाफट इन समोसों को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने रोटी बेल कर रख ली है एक। अब इसके ऊपर हम ये अपने आलू का बैटर लगाएंगे
तो चारों तरफ से हमें फैलाते हुए पूरी रोटी में इसको लगा देना है। इस तरीके से चम्मच की मदद से फैलाते हुए हमें लगाना है। तो इसकी हम एक पतली सी लेयर लगाएंगे, लेकिन ज़्यादा पतली भी नहीं, बैटर हर जगह होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने सारे बैटर को अच्छे से लगा दिया है। अब इसको हम चार टुकड़ों में कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमने इस तरीके से कट कर लिया है। अब एक हम ये आइसक्रीम की लकड़ी ले लेंगे और इस तरीके से रखेंगे किनारे साइड से, और इसे फोल्ड करते हुए कोन का आकार दे देंगे। जिस तरह हम कोन बनाते हैं मेहंदी का, बस उसी तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। तो आगे का जो थोड़ा सा ये अपना आलू का बैटर है वो थोड़ा सा हटा दें और फोल्ड करते हुए इसे ले आएं और फिर उसको किनारे से चिपका दें। इस तरीके से अब ये आगे के पॉइंट को थोड़ा सा पानी लगाकर इस तरीके से चिपका दें, और ये साइड का हमें पूरे में नहीं लगाना है पानी, बस ये साइड में ही थोड़ा सा चिपका देंगे और यहाँ कोने में हमें पानी लगाना है, एकदम आखिर में इस तरीके से चिपका देंगे। और ये ऊपर के हिस्से में इस तरीके से हमें नीचे की तरफ दबा देना है। ये देखिए बस, और ये हमारा कोन बनकर तैयार हो गया, समोसा कोन। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर बनाएं इस रमज़ान, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। इफ्तार के वक्त जब बच्चे दस्तरखान में बैठते हैं तो बस यही देखते हैं कि आज खाने में नया क्या बनाया है। तो इस बार आने वाले रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, आपके बच्चों को ज़रूर ये पसंद आएगी। और आप इसे पार्टी फंक्शन में भी बनाएं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और आसान भी है, कोई झंझट नहीं है। बस इसमें इस तरीके से आइसक्रीम की लकड़ी लगाएं और नीचे की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर दें। तो ये देखिए दूसरा भी बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरीके से आप बनाएं, बिल्कुल आसान रेसिपी है। ये देखिए आगे का भी थोड़ा सा पानी लगाकर इस तरीके से दबा दें। तो अब सारे हम इस तरीके से कोन बनाकर रख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ये बनाकर रेडी कर लिए हैं। और अब बनाते हैं अपने पोटैटो रोल। तो उसी बैटर में हम ये एक चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप एक चम्मच चावल का आटा भी डाल सकती हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये उसी बैटर पे हम डाले हैं कॉर्नफ्लावर जिस बैटर से हमने ये कोन समोसे बनाए हैं, बाकी इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब हम एक लोई को अच्छे से चपाती की तरह इस तरीके से बेल लेंगे, जैसे हमने कोन समोसे बनाए हैं उसी तरीके से हमें पतली रोटी की तरह इस चपाती को भी बेल लेना है। और एक गिलास रख देंगे छोटा से बीच में, तो हमें सेंटर में बिल्कुल रखना है इस तरीके से, और उसे कट नहीं करना है, सिर्फ हम इसमें निशान लगाएंगे। और अब सारे बैटर को इस तरीके से हम चारों तरफ से फैलाते हुए लगा देना है हमको। और अब गिलास को हटा देंगे और बीच में हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इसे अब हम कट करेंगे। तो पिज़्ज़ा कटर ले लें और इसकी कटिंग करें इस तरीके से। तो आपको जितने बड़े बनाने हों, जितने छोटे बनाने हों, वो आपकी पसंद है। हमने इसे बहुत ही छोटे छोटे साइज में बनाए हैं, ये देखिए। तो आप इन रोल समोसों को छोटा ही बनाएं, क्योंकि ये छोटे छोटे जब बनाए जाते हैं तो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है रोल समोसे की। अब इसको हम पीछे की साइड से इस तरीके से आगे मोड़ते हुए ले जाना है
और बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर पानी पहले से लगा लें, ताकि ये जब रोल करके हम इसको आगे लाएं तो ये आप खुद ही चिपक जाए। तो पानी आपको जहाँ पर हमने गिलास रखा था वहाँ पर आपको पानी लगा देना है पहले से ही, और बहुत ही आसानी से ये रोल बनते हुए चले जाते हैं। इस तरीके से हम सारे बनाकर रख लेंगे। अब चलिए इन्हें फ्राई करने की बारी आती है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो मीडियम आंच में हम फ्राई करेंगे। तो पहले हम ये कोन समोसा फ्राई कर लेंगे, और ध्यान रहे कि हमें फ्लेम को हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम में ही हम इन समोसों को अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए और ये खूब क्रिस्पी बने। तो हाई फ्लेम में बिल्कुल भी ना बनाएं। इस तरीके से हमें इन्हें उलट पलट कर गोल्डन सुनहरा होने तक पकाना है। और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पर हमारे समोसे ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं गोल्डन। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो इस बार इफ्तार टाइम आप इस तरीके से समोसे बनाकर तैयार करें, घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। पार्टी फंक्शन में भी ये रेसिपी बना सकते हैं, कोई गेस्ट आ रहे हों तो भी बना सकते हैं। तो आपको हमारी ये कौन समोसे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।